194 रिक्रूट 46 हफ्ते के कठिन परिश्रम के बाद आज इस परेड ग्राउंड से पास आउट करेंगे। आज वो शपथ लेंगे कि वो रेजिमेंट के लिए, इस फौज के लिए और इस देश के लिए अगर मौका आए तो मर मिटेंगे। मैं हूं मेजर गौरव आर्या और मैं हूं आर्मी एयर डिफेंस सेंटर गोपालपुर में। दोस्तों, अभी पासिंग आउट परेड ख़त्म हो गई है और पासिंग आउट परेड में आपने देखा कसम परेड, जिसमें जो रिक्रूट्स थे उन्होंने कसम खाई थी कि मरते दम तक आदेश का पालन करेंगे और देश पे अगर ऐसा कभी मौका आया तो जान भी अपनी दे देंगे। आज 194 जो सोल्जर्स बन के पास आउट करे हैं, उनमें से हमने कुछ चुने हैं। उनके पिता भी यहाँ पे हैं और आज हम बताएंगे कि क्यों हमने ख़ास तौर से 194 में ये 3 सोल्जर्स और उनके पिता चुने हैं आपसे मिलवाने के लिए। नमस्कार। नमस्कार सर। अच्छा, आप कहाँ से? जिला सहारनपुर। सहारनपुर के रहने वाले हैं आप और आज आपका बेटा नितिन कुमार। जी सर, पास आउट हुआ है। ये पास आउट हुआ है सर। और आप क्या काम करते हैं? खेत में काम करता हूँ, किसान हूँ। आप किसान हैं? जी सर। और एक आपका ये बेटा रामवीर सिंह। जी सर। ये ऑलरेडी तो नाइकी की फीती लगा रखी है इसने, 2 फीतियाँ लगा रखी हैं इसने। जी सर। तो आपके दोनों बेटे एयर डिफेंस में हैं। जी सर। ये कैसे हुआ? आपके परिवार में शौक कहाँ से जागा फौज में जाने का? ये हमारे इसी तरफ से जागा जी। अच्छा। हमने इनको ऐसा ही बताया। अच्छा। बेटा, देश की सेवा करो। अच्छा। और इनके अंदर जज्बा आया, इन्होंने मेहनत की, उसके बावजूद इन्होंने फिर ट्रेनिंग में जो है फिजिकल करके घी दूध खिलाया, खूब घर से मेहनत करी इनके साथ में। जी। तो पहले रामवीर गया फौज में। जी सर। और रामवीर को देखे देखे फिर नितिन गया। हाँ, ये बदलता रहा है, देखते देखते बदलता रहा है। चलिए रामवीर से बात करते हैं। रामवीर, आप बताइए। रामवीर, आपके अंदर फौज में आने का जज्बा कैसे जागा? सर, मतलब यही देख के, मूवी वगैरह देखते थे। हाँ। तो मतलब उनको देख करके थोड़ा जज्बा आता था कि हाँ, मेरे को फौज में जाना है। अच्छा। तो उनको देख करके थोड़ा जज्बा आया। फिर गाँव में भी जैसे मेहनत करते रहते थे। जी। तो उनको देख करके हम भी जाते थे। जो हमारे जो सीनियर थे तो वो भी मतलब हमसे पहले फौज में थे, उनको देख करके हमको भी लगता था कि नहीं, हमको भी फौज में जाना और देश की सेवा करनी है। अच्छा, तो गांव में फौजी थे पहले? हाँ जी सर। तो पहले से फौजी, उनको देखे देखे आपको? हाँ जी। लगा कि हाँ, मुझे भी जाना है। हाँ जी। फिर आपने नितिन को भी बोला? हाँ जी सर। तो फिर मेरे को देख के इसने भी ट्राई किया और फिर ये भी मतलब हो गया। अच्छा। तो नितिन, आप आज पास आउट कर चुके हैं साहब, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है साहब। मेहनत बहुत थी? बहुत मेहनत की। हाँ। उसके बाद पासिंग आउट मिला। अच्छा सर। अच्छी ट्रेनिंग की, अच्छी सिखलाई हासिल की। सबसे ज़्यादा मुश्किल क्या लगा ट्रेनिंग में? साहब, मुश्किल तो कुछ नहीं है। हाँ। अपने अंदर जज्बा होना चाहिए तो कोई मुश्किल नहीं है। सब बढ़िया। सब बढ़िया साहब। फिट? सब फिट है सर। बहुत बहुत मुबारक हो आपका। थैंक यू सर। एक और चीज़ मैं बताना चाहता हूँ दोस्तों जिससे मैं आगे चलूँ, ये जो इनको मिला है ये भारतीय सेना ने एक पदक दिया है इनको कि इसका नाम है गौरव पदक। और ये उन पेरेंट्स को मिलता है जिनके लड़के फ़ौज में जाते हैं। इसमें लिखा है मेरी संतान देश को समर्पित, फॉर दोज हु हैव गिवन देयर चिल्ड्रन इन द सर्विस ऑफ द नेशन। तो ये गौरव पदक है, ये इंडियन आर्मी देता है। तो इन्होंने बड़ी शान से अपनी छाती पे ये गौरव पदक लगा रखा है। और ये गौरव पदक लगा के जब भी जाएंगे तो आम जनता को ये पता लगेगा कि इनका बेटा या इनकी बेटी फ़ौज में है। आपका नाम? मेरा नाम राजिंद्रन। अच्छा, और आपके मेडल्स ये देखिए, ये हाई एल्टीट्यूड का मेडल है आपका कसब, और ये ऑपरक्षक का है कसब। अच्छा, ऑपरक्षक आप कहाँ पे थे? ऑपरक्षक में आई सशन ग्लेशियर, हाँ, और इसमें जम्मू साइड में। अच्छा, जेएनके में थे? अच्छा ठीक है, आप जेएनके में थे डिप्लॉयड, ले लद्दाख। अच्छा, ले लद्दाख वाले एरिया, ठीक है, बहुत ही बढ़िया। और आप कौन सी रेजिमेंट से ताल्लुक रखते हैं? 50 रेजिमेंट का सब। अच्छा, और आपका बेटा भी? बेटा अभी एडी में चला गया। एडी में सर, अभी एडी में गया ना सब। जगन, तो आज बहुत अच्छा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है सर, बहुत अच्छा लग रहा है ना, दिल में एक सब बहुत एक सुकून, एक खुशी। ये बेटा वर्दी पहन रहा है। जगन, बहुत बहुत मुबारक हो सर। तो मेहनत बहुत थी? बहुत थी है सर। हाँ, बहुत क्या फौज का रगड़ा दिन रात? नहीं सर, वो भी अच्छा है सर। अच्छा है ना सर। और मुश्किल क्या लगा ट्रेनिंग में? मुश्किल कुछ नहीं है सर, हाँ, पूरा अच्छा सर हो जाएगा सब। बढ़िया सर। तो अभी आपको यूनिट तो नहीं मिली? नहीं सर, अभी तक नहीं मिले, पर यूनिट मिलेगी बाद में, फिर आप यूनिट में जाएंगे सर। जैसे आपके पिताजी ने देश की सेवा करी सर, हम ये कामना करते हैं कि आप भी देश की सेवा करें सर, और रेजिमेंट का, यूनिट का और देश का नाम ऊँचा करें। ऑल द बेस्ट जगन, बहुत अच्छा लगा मिलकर, शाबाश। जय हिंद। जय हिंद। आपका नाम? मेरा नाम होल्दार राम सिंह शेखावत। मैंने 16 राजपूत से देश की सेवा की है जी, और मैं ऊंची चोटियों पर रहा हूं, जैसे उड़ी, आसाम में ग्लेशियर, और मेरे दादाजी श्री हरनाथ सिंह जी शेखावत जो नाइक सूबेदारी से, उन्होंने ब्रह्मा की लड़ाई लड़ी, 3 जगह लड़ाइयाँ विदेश की लड़ी, आर्मी देश की सेवा की जी। और उसके बाद नाइक सूबेदार दान सिंह शेखावत, उन्होंने 4 राजरीफ से उन्होंने विदेशों में भी लड़ाइयाँ लड़ी, जैसे कि कांगू जी, उन्होंने लड़ाई लड़ी। और मैंने 18 साल देश की सेवा किया। तो आप एक बात बताइए, आप तो, आपके दादाजी, आपके पिताजी, आप, और आज आपका बेटा तो चौथी पीढ़ी है। चौथी पीढ़ी है साहब फौज में, बिल्कुल बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। देवेंद्र, बहुत बहुत मुबारक हो। जय हिंद। तो आप एडी में आ गए साहब। एडी क्यों आपने चूज करी? ये तो राजपूत रेजिमेंट और राजरेफ वाले हैं सबके सब, आपके पिताजी, आपके दादाजी, आपके परदादाजी सब, आप तो चौथी पीढ़ी हो। यस साहब। तो देवेंद्र, आप एडी में कैसे आ गए? मेरी एडी के अंदर ही रुचि थी कि कुछ अलग कोर के अंदर जाऊं, हाँ, कुछ अलग करके दिखाऊं। अलग करके दिखाओ, फौज तो फौज है, फौज तो फौज है। इन्फेंट्री में जाओ, आर्टिलरी में जाओ, एडी में जाओ, कहीं पे जाओ, इंडियन आर्मी तो इंडियन आर्मी है ना। यस सर। तो मेहनत लगी काफ़ी ट्रेनिंग में? हाँ, मेहनत भी करी है हमने बहुत, और ट्रेड के मुताबिक मैंने बढ़िया सिखलाई भी ली है। अच्छा। और मैंने सिविल में रहते हुए कभी भी डिफेंस सर्विस के अलावा किसी भी सर्विस में मैंने अप्लाई नहीं किया, सिर्फ ओनली इंडियन आर्मी की तरफ। सिर्फ इंडियन आर्मी। यस सर। और ये आप जो लाल साश पहने हैं ये, यस सर, इसका बताइए ये क्यों पहने हैं? इसका मतलब ये है कि मैं अपनी टोली का एक टोली कमांडर हूँ। अच्छा। और उसके मुताबिक ये हमें दिया जाता है, और उसके मुताबिक मैंने ये पहना है। इसका ये भी मतलब है कि ड्रिल शानदार है। शानदार ड्रिल है, और सारी कमांड, मेरी कमांड के मुताबिक ही मेरी टोली आगे कार्रवाई की करती है जी। दोस्तों, एक और चीज़ दिखाना चाहता हूँ देवेंद्र की, बाकी सब जितने भी यहाँ पे खड़े हुए हैं उनकी भी, ये देखिए सैश के नीचे 1 बटन, 2 बटन, 3 बटन, ये फौज की सिखलाई है। बेल्ट के ऊपर सिर्फ 3 बटन दिखेंगे। इन सब जितने भी आज सोल्जर्स पास आउट हुए हैं सबका देखिए डिसिप्लिन के मुताबिक ये जिप लाइन पे ये एडी का इंसिग्निया है, और 3 बटन एक लाइन पे। ये एमिनेशन बूट पहने आपने? यस सर। कि डीएमएस है? नहीं, एमिनेशन बूट है। हाँ यस सर, एमिनेशन बूट। इसके नीचे देखिए, इसके नीचे भी 13 कीलें होंगी। यस सर। और नाल होगी गिन के आप अभी गिनवा लीजिए, सबकी 13 कीलें होंगी। ये फौज का डिसिप्लिन है, और फौज का डिसिप्लिन कई 100 सालों से ऐसा ही चलता आ रहा है। देवेंद्र, बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, विथ ऑल दीज प्राउड पेरेंट्स एंड प्राउड रिक्रूट्स हु आर हियर, इतना एक जज्बा है फ़ौज को लेके, छाती ठोक के कहते हैं कि हम एडी रेजिमेंट में आए। आज ये पास आउट हुए हैं, आज इनके जीवन का सबसे बड़ा दिन है, सबसे बड़ा दिन। कोई किसान का बेटा है, कोई कहता है कि मेरे पिताजी एडी में थे इसलिए मैं एडी में आया, और एक लड़का जो कहता है मैं फोर्थ जनरेशन हूँ, मेरे पिताजी, मेरे दादाजी, मेरे परदादा सब इंडियन आर्मी में थे, और हो सकता है कि इनका बेटा ये भी फौज में जाए, बेटी फौज में जाए। ये इंडियन आर्मी का जज्बा है, और इतने सालों से मैं खुद देख रहा हूँ ये जज्बा कम होने का नाम नहीं ले रहा। ये जज्बा कम हो जाए ऐसा हो नहीं सकता। आइए मेरे साथ, मैं आपको एयर डिफेंस सेंटर के कुछ और पहलू से वाकिफ कराता हूँ। दोस्तों, इस वक्त हम आर्मी एयर डिफेंस सेंटर में हैं और हमारे साथ एक बहुत स्पेशल गेस्ट हैं, ब्रिगेडियर राजीव श्रीवास्तव, कमांडेंट आर्मी एयर डिफेंस सेंटर। आइए उनसे मिलते हैं और सेंटर के बारे में कुछ जानकारी हासिल करते हैं। सर, पेट्रियट में आपका स्वागत है। सर, वेलकम टू सेंटर गौरव। थैंक यू वेरी मच सर। हमारा जो सेंटर बना है एडी का सेंटर जिसमें ट्रेनिंग होती है, इसका इतिहास क्या है? ये कब बना था सेंटर? एडी सेंटर का इतिहास दूसरे महायुद्ध सेकेंड वर्ल्ड वॉर का इतिहास है जी। जब दूसरा विश्व युद्ध शुरू हुआ इंडियन कमांड में केवल एक हेवी एंटी एयरक्राफ्ट बैटरी थी जी। और जब जापानीज बर्मा में आए तो ब्रिटिश एम्पायर ने सोचा कि यहाँ पर ज़्यादा एक रेजिमेंट्स होनी चाहिए जी। तो तकरीबन 42 तक 33 एंटी एयरक्राफ्ट रेजिमेंट रेस की गई। कुछ इन्फेंट्री से करीब 9 बटालियन कन्वर्ट की। इस प्रकार से 33 रेजिमेंटें हुई। इसकी मैन पावर रिक्वायरमेंट के लिए सबसे पहले सितंबर 40 में नंबर 1 ट्रेनिंग रेजिमेंट का गठन हुआ। इसको बाद में कराची में एक ट्रेनिंग सेंटर के नाम से रेस किया गया जी। उसके बाद नंबर 2 एक ट्रेनिंग सेंटर देवलाली में खड़ा किया गया और नंबर 3 जबलपुर में खड़ा किया गया। इंटरेस्टिंग बात यह है कि केवल 14th आर्मी के रिक्वायरमेंट के लिए शिलोंग में अलग से एक ट्रेनिंग स्कूल खड़ा किया गया। इस प्रकार से 4 सेंटर स्कूल खड़े किए गए। इंडिपेंडेंस के बाद इन सबको मिला के आरटी सेंटर बनाया गया, उसमें मर्ज किया गया देवलाली में। और उसके बाद 60 के दशक में एडी विंग बनाया गया और बाद में 1994 में इसको एडी सेंटर बनाया गया। राइट सर। तो एक सिविलियन लड़का है सर, जब वो आता है तो ही इज़ अ कंप्लीट यंगस्टर सर। वो तो बच्चा ही है सर, 17-18 साल का होगा, 18-19 साल का। तो वो आता है ट्रेनिंग के लिए, तो उसको एक लाइन में लाने के लिए आपके हर जगह लिखा हुआ है सर, मैंने देखा था, रॉ टू रेजर, यानी कि एक बिल्कुल रॉ है, कच्ची मिट्टी है सर, उसको उस तरह की धार तक तेज़ी लाना उसमें। ये जो प्रोसेस है सर, इस प्रोसेस को अगर आप हमें ब्रीफली बताएं कि प्रोसेस कैसा होता है। नया लड़का आता है सर सेंटर में, ही इज़ अ सिविलियन, ही डजंट नो एनीथिंग सर। गौरव, बहुत इंटरेस्टिंग सवाल जी, और बहुत इंटरेस्टिंग काम भी है ये हमारे लिए जी। एक सिविलियन बच्चा आता है यहाँ पर, जब वो आता है आप देखें अलग अलग वेशभूषा, अलग अलग हेयर कट, अलग अलग बैकग्राउंड, लैंग्वेजेस अलग अलग होती हैं, कोई साउथ इंडियन है, कोई हिंदी स्पीकिंग है, कोई, इन सबको एक मोल्ड में लाके और एक सोल्जर बनाना एक बहुत चैलेंज का काम है। बिल्कुल सर। पहले स्टेप में हम बेसिक ट्रेनिंग करते हैं जिसमें हम बेसिक सोल्जरी स्किल्स उसके ऊपर फोकस करते हैं। बेसिक सोल्जरी स्किल्स का मतलब है फिजिकल फिटनेस, वेपन्स ट्रेनिंग, बेसिक आर्म्स ट्रेनिंग, ड्रिल, बेयरिंग, कपड़े पहनने के तरीके, वर्दी यूनिफॉर्म पहनने के तरीके, बेसिक इश्यूज जो हैं इनको एड्रेस करते हैं। और कुछ सेना से संबंधित जानकारी जो बेसिक फील्ड क्राफ्ट है, फील्ड इंजीनियरिंग है, इस प्रकार की चीज़ें उनको सिखाते हैं। तकरीबन 19 हफ्ते लगते हैं उसको एक बेसिक ड्रिल्ड रिक्रूट बनाने में। उसके बाद हम उनको अपने ट्रेड के अनुसार ट्रेनिंग देना शुरू करते हैं। अब ट्रेड क्या होता है, उसका चयन कैसे होता है, ये भी एक बड़ा प्रोसेस है अपने आप में। एक सोल्जर सब काम नहीं कर सकता है। बिल्कुल। तो हम फिर उनका टेस्ट लेते हैं, एक बड़ा साइंटिफिक मेथोडोलॉजी के साथ देखते हैं कि कौन गनर बनने के काबिल है, कौन ऑपरेटर बनने के लिए उपयुक्त है। उनका चयन करते हैं, उनको उनका ट्रेड अलॉट करते हैं, कौन ड्राइवरी में ठीक रहेगा, कौन किसी और ट्रेड में ठीक रहेगा। उसके बाद उनको अपने पर्टिकुलर फील्ड में लेके जाते हैं और फिर धीरे धीरे थोड़ा सा थ्योरी, बेसिक फोकस प्रैक्टिकल हैंडलिंग के ऊपर है। गनर को गन हैंडल करनी आनी चाहिए, गन को खोलना जोड़ना, गन को एक्शन में लाना, गन को फिजिकली बी एबल टू हैंडल इट, एक्चुअली मैन हैंडल इट फिजिकल। इट्स अ वेरी रिगरस ट्रेनिंग। पहले बेसिक हैंडलिंग ऑफ गन, उसके बाद गन ड्रिल, उसके बाद अल्टीमेटली फायरिंग। जब रिक्रूट यहाँ से जाता है तो उस गन को फायर करता है, एक अनुभव लेता है, कॉन्फिडेंस लेता है कि मैं गन को इंडिविजुअली फायर कर सकता हूँ। एंड देन ही गोज टू हिज यूनिट फॉर फर्दर ट्रेनिंग। ट्रेनिंग के दौरान सब एक जैसे नहीं होते सर, कोई फिजिकली वीक होता है, कोई स्ट्रांग होता है, कोई इंटेलिजेंट होता है, कोई इंटेलिजेंट नहीं होता है, किसी की ग्रास्पिंग पावर या किसी चीज़ को पकड़ने की क्षमता ज़्यादा होती है, किसी की कम होती है। अब ये एक दिन एक लाइन पे शुरू करते हैं सर सब लोग, बाद में पता लगा सर कि 4 हफ्ते बाद, 5 हफ्ते बाद कि कुछ लोग लैग कर रहे हैं सर, कुछ रिक्रूट्स लैग कर रहे हैं। फिर आपका क्या एक्शन होता है कि जैसे उसको करेक्ट करने का एक्शन, और जो करेक्ट नहीं हो पाया मेहनत के बाद फिर उसका क्या होता है, ये क्या है सर? इस पर लाइट रोशनी डाला। ट्रेनिंग के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो सकता है जी, पर्टिकुलरली रिक्रूट ट्रेनिंग में हम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते हैं जी। जो वीक हमको मिलता है किसी भी फील्ड में, मान लीजिए फिजिकली वीक है कोई लड़का, उसके लिए एक्स्ट्रा कोचिंग, एक्स्ट्रा ट्रेनिंग जी। शाम को एक्स्ट्रा टाइम में इंस्ट्रक्टर्स आते हैं, लड़कों को इकट्ठा किया जाता है। फिजिकल ट्रेनिंग में मैं एग्जांपल लेना चाहूँगा, फॉर एग्जांपल अगर उसका लोअर बॉडी या अपर बॉडी वीक है तो उसके ऊपर फोकस करते हैं, उसी के ऊपर फोकस करके उसको एक्स्ट्रा ट्रेनिंग करा के, कोचिंग करा के तैयार करते हैं। ट्रेनिंग में सर देयर इज जीरो कॉम्प्रोमाइज़, मतलब ट्रेनिंग में हम कॉम्प्रोमाइज़ करते ही नहीं, क्योंकि कहते हैं कि ज़िंदगी और मौत का खेल है ये फौज, जिसको फौज में कहते हैं व्हेन द बलून गोज़ अप सर, ही इज ट्रेनिंग फॉर दैट डे व्हेन द बलून गोज़ अप। एब्सोल्युटली। तो उसके बारे में सर क्या यहाँ पे भी वही टेम्पलेट फॉलो करा जाता है कि एब्सोल्युटली जीरो कॉम्प्रोमाइज़ इन ट्रेनिंग? फर्स्टली जो पुरानी कहावत है आर्मी में, हम बोलते हैं ट्रेनिंग इज़ द बेस्ट वेलफेयर। बिल्कुल ठीक बात। तो सबसे बड़ा वेलफेयर एक सैनिक का, एक रिक्रूट का है ट्रेनिंग। अगर उसको हम ट्रेन करेंगे तो कल लड़ाई में या किसी सिचुएशन में वो अपनी जान बचा सकता है सर, तो उससे बड़ा वेलफेयर कोई भी नहीं है। बिल्कुल सर। वेलफेयर हम करते हैं, खाने का ध्यान, एंटाइटलमेंट का ध्यान। ट्रेनिंग और वेलफेयर में ऐसा कोई संबंध नहीं है कि वेलफेयर पहले है और ट्रेनिंग बाद में है। वेलफेयर मिलेगा मगर ट्रेनिंग पहले आएगी सर। अगर ट्रेनिंग पूरी है वेलफेयर मिलेगा। तो इनका एक बड़ा फाइन बैलेंस लेके चलना पड़ता है, वेलफेयर क्या चीज़ है और ट्रेनिंग क्या चीज़ है। अगर धूप है, कड़ी धूप है, बारिश हो रही है, मौसम खराब है, तो ट्रेनिंग रुकती नहीं है और ट्रेनिंग चलेगी, ट्रेनिंग चलेगी, ट्रेनिंग चलेगी सर। वो लोग जो एक्चुअली सर ट्रेनिंग इम्पार्ट करते हैं, वहाँ पे गुरु द्रोणाचार्य का भी नाम लिखा है बड़े बड़े अक्षरों में ट्रेनिंग एरिया में। यहाँ पे अर्जुन की एक प्रतिमा बनाई है, एक बुद्ध बनाया है सर। और ये जो गुरु शिष्य परंपरा चलती आ रही है सर हिंदुस्तान में हज़ारों सालों से सर, वो यहाँ पे और हर आर्मी इंस्टीट्यूशन में देखने को मिलती है। उन इंस्ट्रक्टर्स के बारे में कुछ बताइए सर, जो यहाँ पे जो इंस्ट्रक्शन इम्पार्ट करते हैं सर, जो सिखलाई इम्पार्ट करते हैं। इंस्ट्रक्शन इम्पार्ट करने के लिए आपने बोला द्रोणाचार्य सर, एक इंस्ट्रक्टर को द्रोणाचार्य की तरह होना चाहिए। रिक्रूट को अपने इंस्ट्रक्टर के ऊपर फेथ, विश्वास और एक रिगार्ड होना चाहिए कि इसको पता है ये क्या बोल रहा है। सिलेक्शन इंस्ट्रक्टर का हम बहुत संभाल के करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कौन क्वालिफाइड है, फिर लोग यहाँ पर आते हैं, हम उनका कार्डर चलाते हैं, फिजिकल फिटनेस चेक करते हैं, उनका प्रोफिशिएंसी अपने काम में चेक करते हैं। उसके बाद उसमें से सेलेक्ट करते हैं कौन इंस्ट्रक्टर रहेगा। उसके बाद भी उसको हम प्रोबेशन रखते हैं 3 महीने के लिए, कहीं हमको अपने सिलेक्शन प्रोसेस में कमी रही, इवन आफ्टर सिलेक्शन इफ वी फाइंड कि किसी को काबिलियत नहीं पढ़ा पा रहा, नहीं करवा पा रहा, उसको हम वापस भेज देते हैं। एक बार इंस्ट्रक्टर यहाँ बन गए तो ये शॉर्ट नहीं है कि आप यहाँ पर इंस्ट्रक्टर रहेंगे 2 साल के लिए या 2.5 साल के लिए। हर 3 महीने में इंस्ट्रक्टर के हम टेस्ट करते हैं, अलग से एक टीम है जो इंस्ट्रक्टर का टेस्ट करती है, ऑफिसर्स, और अपडेट करती है कि उसकी प्रोफिशिएंसी लेवल में कमी तो नहीं है, उसकी फिजिकल फिटनेस में कमी तो नहीं है, ऐसा तो नहीं कि वो इधर आके थोड़ा सा चेंज हो गया है, वेट बढ़ गया है, कुछ भी। एंड इफ़ यू फाइंड समबडी इज़ नॉट अप टू द मार्क He goes back. Sir, मैंने एक बात नोट करी सर, आई वाज जनरल्स ऑल्सो आर्मी में, जिनसे भी हमने इंटरव्यू करा है, कितने लोगों से पूछा है सर, सब लोग एक बात कहते हैं, एंड दिस आई एम आस्किंग ऑन लाइटर नोट्स। WT इंस्ट्रक्टर भूल जाता है आदमी, PT इंस्ट्रक्टर भूल जाता है, ड्रिल इंस्ट्रक्टर कभी नहीं भूलता। ड्रिल इंस्ट्रक्टर कभी नहीं भूलता, ऐसा ड्रिल इंस्ट्रक्टर कभी वाई? तो ड्रिल इंस्ट्रक्टर का एक जो छाप पड़ती है सर मन पर, मस्तिष्क पर, वो बिल्कुल अलग तरह की होती है। डिफरेंट पीपल, वो एक रेड सैश लगाए हुआ, हाथ में केन लिया है, स्मार्ट मार्चिंग है, और आपके पीछे पीछे चल रहे हैं और एक खूंखार सी आवाज़ में आपको बोल रहे हैं, और अगर आपने गलती की तो फ्लैट फुट शुरू हो गए। So it's a different experience. Absolutely. Unsmiling, sir. And unforgiving. 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 Instructions कोई नहीं बचता. Unforgiving. Sir, thank you so much for speaking to us. आपका बहुत-बहुत धन्यवाद. आपने हमसे बात करी, सर. दोस्तों, इस वक्त मैं आर्मी एयर डिफेंस सेंटर गोपालपुर में हूँ और ये इनका म्यूजियम है. हर एक रेजिमेंट का एक म्यूज़ियम होता है, हर एक आर्म, हर एक सर्विस का एक म्यूज़ियम होता है. और म्यूज़ियम वो जगह है जहाँ पे उस रेजिमेंट की यादें, रेजिमेंट की तारीख, उसका इतिहास, जो लोगों ने, रेजिमेंट के लोगों ने, अफसरों ने, जवानों ने, JCO साहिबान ने जो बलिदान दिया, वो एक जगह है जहाँ पे इन सब का निचोड़ है. अगर आप किसी भी रेजिमेंट के बारे में जानना चाहें तो आप रेजिमेंट के म्यूज़ियम में आएँ तो आपको पता लगेगा कि इस रेजिमेंट ने जब से जन्म लिया है तब से क्या क्या कारनामे अंजाम दिए हैं दुनिया भर में, कहाँ शहादतें दी हैं, कहाँ खून बहा है, कहाँ पे जीत हुई है, उन सब की कहानियाँ इस रेजिमेंटल सेंटर में. मेरे साथ हैं कर्नल कंवरदीप सिंह, ये हैं AD के आर्मी एयर डिफेंस के. आइए हम इनसे मिलते हैं और इनसे जानते हैं कि AD के बारे में कि हमें क्या क्या बताएंगे. सर, पेट्रियट में आपका स्वागत है. सर, वेलकम मेजर गौरव. ये बड़ी अट्रैक्टिव सी वॉल है सर, ये 3D टाइप की वॉल बना रखी है. ये क्या है सर, इसमें गन्स लगा रखी है पूरी. व्हाट इज दिस अबाउट? ये हमारा म्यूरल है जी, जिसका नाम है काल चक्र. ये पूरी हमारी आर्मी एयर डिफेंस की जो इक्विपमेंट है जी, उसका एवोल्यूशन को दिखाता है. राइट. ब्रिटिश आर्मी यूनिट्स उस समय हमारे पास 3.7 इंच एंटी-एयरक्राफ्ट गन्स थी जी. फिर 1940 के दौरान L-60s, फिर धीरे धीरे हमारे पास 1970 में टाइगर कैट मिसाइल्स, ब्रिटिश में टाइगर कैट मिसाइल्स और L-70 गन्स आई. 80 के दशक में ZU गन्स, 90 में तंगुश्का गन मिसाइल सिस्टम, और अभी करंटली हम 2015 में आकाश मिसाइल सिस्टम की तरफ हैं. तो सर ये धीरे आप ये देखिए, ये सब जो शुरू में होगा ये ब्रिटिश इक्विपमेंट होगी सर, क्योंकि उस जमाने में अंग्रेज राज में ये ब्रिटिश इक्विपमेंट थी. और आज़ादी के बाद हम देखते हैं कि सर ये रशियन इक्विपमेंट आना शुरू हुआ, प्राइमरीली रशियन इक्विपमेंट आना शुरू हुआ. और अभी हम अपने आप सिस्टम खुद बना रहे हैं, लाइक अभी जैसे मिसाइल सिस्टम इंडिजिनसली डेवलप्ड सिस्टम है. और अगर आप इसको देखें कि सिर्फ पहले हमारे पास मेजरली गन सिस्टम होते थे, अभी हम गन मिसाइल मिक्स की तरफ मूव कर रहे हैं जी. और हमारे दर्शकों को ये देख के सर बड़ी खुशी होगी कि मिसाइल आकाश, क्योंकि ये सब जो नाम हैं ये विदेशी नाम है सर, पर आकाश नाम है, ये इंडियन नाम. बिल्कुल बिल्कुल सर, कहीं ना कहीं खुशी होगी कि ये हम लोगों ने खुद सिस्टम बनाया है सर. आइए सर आगे. अभी हम अपने हेरिटेज हॉल की तरफ मूव करेंगे जी. ये जो फोटोग्राफ आप देख रहे हैं जी, ये लुइस गन जो हमारे World War I के दौरान हमारे जो भारत के एयर डिफेंस के सोल्जर्स ने जो इस्तेमाल करी है उसको दिखा रही है. और ये जो 3.7 इंच गन जो इसके बारे में बाहर म्यूरल पे मैंने आपसे बात करा था, उसका शेल और एक हमारा भारतीय जवान उसको जो है कैरी कर रहा है, एक्चुअल साइज के हिसाब से इस डमी में दिखाया गया है. और ये हमारी फोटो गैलरी है जिसमें हमारी आर्मी डिफेंस के जो शुरुआत के दिन थे, जब हम अपनी यूनिट्स को रेस कर रहे थे और हमारे जवाहरलाल नेहरू जो प्राइम मिनिस्टर साहब और प्रेसिडेंट साहब और सीनियर डिग्नेटरीज जो यूनिटों को विजिट कर रहे थे, उसकी फ़ोटो गैलरी हमने लगाई है. और अगर आप अपने बाएँ देखें, ये हमारी हिस्ट्री, एक एक बोर्ड हर एक ऑपरेशन के ऊपर बनाया गया है, जिसके पूरा हिस्ट्री, उस दौरान की हिस्ट्री पूरी अच्छे तरीके से इसके ऊपर दर्शाई हुई है. हमारा एयर डिफेंस अलग अलग ऑपरेशंस में हिस्सा लेता है. सियाचिन ग्लेशियर हो गया, और अलग अलग ऑपरेशन में 65-71 ऑपरेशन, और जैसे एयरक्राफ्ट जो हमने मार गिरा है उनकी फोटोग्राफ्स यहाँ पे फोटो गैलरी में दर्शाई हुई है. ये हमारे आर्मी एयर डिफेंस कॉलेज की बोर्ड जो है उसमें हिस्ट्री दिखाता है. एक आपके साथ मैं बात शेयर करना चाहूँगा, आर्मी एयर डिफेंस कॉलेज यहाँ पे गोपालपुर में जो इसकी इनॉग्रेशन नींव रखा था श्रीमती इंदिरा गांधी हमारे प्राइम मिनिस्टर ने, और 30 अक्टूबर 1984, जस्ट वन डे प्रायर टू हर असैसिनेशन. और उनके जो फेमस वर्ड्स थे कि मेरे खून का एक एक कतरा देश के काम आएगा, वो यहीं पे बोला था उन्होंने. अच्छा, अच्छा वो इंदिरा गांधी जी की जो स्पीच थी यहाँ पे दी गई थी एयर डिफेंस गोपालपुर में. यस. एंड इसीलिए वो सर, वो उनके ऑनर में एक सर्कल भी बना रखा है, इंदिरा गांधी सर्कल, वो देखा था मैंने. और ये जो आप इधर 3D गन्स और रडार देख रहे हैं जी, ये हमारा L-60 गन और उसके साथ जो रडार था SFM रडार, वो उसका म्यूरल्स बनाए हुए हैं, 3D म्यूरल्स. इफ़ यू सी, इस तरीके से बनाए गए हैं कि जो गन है और पार्शली हाफ क्रू आपको प्रॉपर 3D में दिख रहा है, और पीछे जो बाकी का क्रू है वो दीवार पे पेंटेड है. और ये हमारी मेन स्टे रही है इनिशियली काफ़ी देर तक, जब हमारा प्री इंडिपेंडेंस टू सर्टेन टाइम टिल इंडिपेंडेंट के बाद भी जब तक हमारे पास L-17 नहीं आई है, और ये हमारा मेन स्टे रहा है। और बड़े प्राइड के साथ मैं ये बताना चाहूँगा 1971 में भारत पाकिस्तान की जो लड़ाई हुई थी उसमें हमारी 4 ADU यूनिट्स को ऑनर टाइटल्स दिए गए थे, क्योंकि उन्होंने उस एरिया में, उस सेक्टर में बहुत ज़बरदस्त एयर डिफेंस गनर्स का प्रदर्शन किया था और काफ़ी दुश्मन के हवाई जहाज़ को मार गिराया था। तो छम्ब है सर, छम्ब में वेरी फेमस सर, वेरी फेमस छम्ब का सेक्टर हो गया। फिर देन बसंतर, बैटल ऑफ बसंतर, उस दौरान बहुत सॉलिड, इट वाज बैटल ऑफ बसंतर इज अ पीवीसी बैटल एक्चुअली सर। यस बिल्कुल। और सांबा वीएवीपी की प्रोटेक्शन, यस सर। और अमृतसर एयरफील्ड जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक एयरफील्ड थी, उसके और उसके साथ उसका सर्वेलेंस यूनिट भी था, उसकी प्रोटेक्शन के लिए इस यूनिट ने वहाँ पे जबरदस्त काम किया। और कुछ पाकिस्तानी इन्होंने जहाज गिराए और साथ में पायलट्स को भी जिंदा कैप्चर किया। अगर आप यहाँ पे देखें, ये हवलदार और अभी ऑनरेरी कैप्टन सी पेरूमल, जिनको 1965 के ऑपरेशन में, इंडो पाकिस्तान वॉर में वीर चक्र के साथ सम्मानित किया गया था, ऑपरेटर, तो उनके बारे में बताया हुआ है वो बेसिकली। और ये जो आप जो डायरामा 3D मॉडल भी देख रहे हैं, ये अखनूर ब्रिज की प्रोटेक्शन के लिए इनकी गन डिप्लॉयड थी अपनी पूरी बैटरी के साथ, और इन्होंने अपनी गन पे ऊपर कंट्रोल बहुत एक्यूरेट फायर से दुश्मन के, पाकिस्तान एयरफोर्स के सैबर जेट्स को मार गिराया था। उनके इस प्रदर्शन के लिए और पूरी गन डिटैचमेंट के ऊपर और एक्यूरेट फायर डालने के लिए उनको वीर चक्र से सम्मानित किया गया। सो ये मेजर गुरचरण सिंह और नायब सूबेदार धान सिंह, इनको जब इंडिपेंडेंस हुई, ट्रेन एस्कॉर्ट हो रही थी, पाकिस्तान और भारत के बीच में लोग मूव कर रहे थे, उस ट्रेन को जो एस्कॉर्ट के दौरान उसको जो प्रोटेक्शन दिया गया, उसके लिए इनको अशोक चक्र क्लास 2 उस समय के साथ सम्मानित किया गया था। और उसी प्रकार हम जैसे आगे मूव करते हैं, इवन 1984 राइट्स जो दिल्ली में हुए थे, उस समय हमारे ऑफिसर्स ने बहुत बढ़िया काम किया और काफ़ी लोगों की जान बचाई, जाने बचाई। उनके लिए ये जो मेजर बसरा है, लेफ्टिनेंट कर्नल बसरा, एंड मेजर एंड लेफ्टिनेंट जनरल JP सिंह, इनको शौर्य चक्र के साथ सम्मानित किया गया था। और ये हमारे वीर चक्रवार्डीज हैं, इसमें बेसिकली वो 71 ऑप्स के उसमें ज़्यादा हैं। ऑफ विजय कर्नल GS खोत, उनको ऑफ विजय में वीर चक्र के साथ सम्मानित किया गया था। और जो मैं आपसे बात कर रहा था कि काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशंस में हमारे ऑफिसर्स में जा रहे हैं, मेजर सुशील आइमा, इनको एक ऑपरेशन में कीर्ति चक्र के साथ सम्मानित करा गया और उस ऑपरेशन को इन्होंने लीड किया। और ये ऐसा ऑपरेशन था जिसमें इनका टेररिस्ट के साथ गुत्थम गुत्थे का लड़ाई हुआ, तो इतना नज़दीक पहुंच के फिर उन्होंने जब उसके ऊपर चार्ज किया तो उस गुत्थम गुत्था की लड़ाई में इन्होंने 3 मिलिटेंट्स को खुद मारा और इनकी पूरी पार्टी में टोटल मिल के 5 मिलिटेंट्स को मार गिराया। और उनकी इस एक्ट के लिए उनको कीर्ति चक्र पोस्थमस, बिकॉज उसी लड़ाई के दौरान भी इनकी शहादत हो गई थी, तो इनको कीर्ति चक्र पोस्थमस दिया गया। इनके बारे में जो कहानी लिखी गई है सर कि 17 राष्ट्रीय राइफल्स में पोस्टेड थे और इन्होंने देखा कि एक आतंकवादी ने, एक गनर, एक अपने जवान के ऊपर जिसका नाम अरुण कुमार था, अरुण कुमार के ऊपर उस आतंकवादी ने ग्रेनेड फेंका। तो उसके ऊपर वो अरुण कुमार को बचाने के चलते मेजर सुशील अहिमा ने उसको धक्का दिया और मिलिटेंट के ऊपर उन्होंने चार्ज करा, मिलिटेंट को जान से मार दिया। अपनी आखिरी सांस लेते लेते भी मेजर अहिमा ने, जब उनको पूरी गोलियां लग चुकी थी, अपनी आखिरी सांस लेते लेते भी उन्होंने तीसरे टेररिस्ट को भी गोली मार के उसको जान से मार दिया और उसके बाद मातृभूमि के नाम शहीद हो गए। बड़ी अच्छी उनके बारे में स्टोरी है सर कि उन्होंने ये लिखा था, उनके बच्चे थे, 2 छोटे बच्चे, तो बच्चों ने बोला कि आप पापा हमारे लिए आएंगे तो हमारे लिए खिलौने लेकर आएंगे। तो उन्होंने बोला बेटा कि जब ये जो बुरे लोग हैं, जब मैं इनको बर्बाद कर दूंगा, उसके बाद में बहुत सारे खिलौने तुम लोगों के लिए लेकर आऊँगा। December 1988 में तो कमीशन हुए थे और ये ऑपरेशन जो हुआ था अगस्त 1999 में। तो उस समय ऐसा कोई व्हाट्सएप वगैरह ये सब साधन थे नहीं जी, तो ऑडियो कैसेट में रिकॉर्ड करके पोस्ट से अपने बच्चों को अपना वॉइस का मैसेज भेजते थे, अपनी आवाज़ अपने बच्चों को भेजते थे। और कहते हैं कि लोग उनसे, जो आतंकवादी थे, इतना डरते थे, 6 फुट 5 इंच इनकी हाइट थी, तो लोग कहते थे उनके सामने आते ही आतंकवादी घबरा जाता था। और ये हमारा जो हमारे मिसाइल सिस्टम है, जो मैं आपको बता रहा था, जो ये ट्रैक्ट व्हीकल्स हैं जो मैकेनाइज्ड टैंकों के साथ मूव करते हैं, वो यहाँ पे दिखाए गए। ये हमारा आकाश मिसाइल सिस्टम का मॉडल है। तो सर ये लाइफ साइज मॉडल है, ये लाइफ साइज मिसाइल मॉडल। तो एक्चुअली अगर आकाश मिसाइल जो है वो इतनी ही बड़ी होगी सर? बिल्कुल बिल्कुल एब्सोल्युटली, ये लाइफ एक्चुअल स्केल मॉडल है। और आर्मी एयर डिफेंस के जो जवान और ऑफिसर्स हैं वो एडवेंचर एक्टिविटीज़ में भी काफ़ी हिस्सा लेते हैं। अगर आप आपके सामने देखें, ये एक एक्सपीडिशन हुआ था 2005 में चौखंबा, गढ़वाल हिमालयस में ये पीक है। यहाँ पे हमारे एक्सपीडिशन में हमारे जवान और ऑफिसर्स गए और इसको सर किया, उन्होंने इस चोटी को सर किया। और साइकिल एक्सपीडिशंस, वो सारे अलग अलग जो एडवेंचर एक्टिविटीज़ हम यहाँ पे करते हैं वो सारा इस हॉल में दिखाया है। सर ये बड़ा इंटरेस्टिंग फ्लैग है, ये कौन सा फ्लैग है सर? ये फ्लैग जो है, ये जो गोवा लिबरेशन ऑफ गोवा ऑपरेशन, जब उस समय उसको ऑब्विजे बोला गया था जी, तो हमारी जो एडी बैटरी वहाँ पे थी जी, तो उनको सरेंडर किया था। ये पोर्चुगल का, पोर्चुगीज ने सरेंडर किया था, तो ये पोर्चुगीज का फ्लैग है, वो हमारे को प्रेजेंट किया गया है यूनिट के द्वारा। सो ये हमने कम बैक टू दी काल चक्रा, जहाँ से हमने स्टार्ट किया था। Thank you very much, sir. Thank you very much. It was our honor that you came on. The honor was mine, sir. Thank you very much. Thank you. दोस्तों, इस वक्त हम आर्मी एयर डिफेंस के वॉर मेमोरियल में हैं। ये वो जगह है जहाँ पे आर्मी एयर डिफेंस अपने शहीदों को याद करती है, अपने हीरोज को याद करती है। और हीरोज की कहानी अगर कोई हीरो ना सुनाए फिर वो कहानी कैसी। आइए मैं आपको एक ऐसे हीरो से मिलाता हूँ, कर्नल सतीश कड़वत, सेना मेडल। सर, पेट्रियट में आपका स्वागत है सर। थैंक यू सर। दिस इज़ हैलोड ग्राउंड। ये पवित्र पावन स्थल है, फौजी के लिए इसका दर्जा मंदिर से कम नहीं, शायद ज़्यादा ही होगा। ज़्यादा, बिल्कुल। सर ये जो शहीद हैं, रोल ऑफ ऑनर CIOPS ऑपरेशन रक्षक, आप देखिए कतार दर कतार दर कतार। मैं तो जब भी जाता हूँ सर फौजियों से मिलने, यहाँ पे जाता हूँ मिलता हूँ, तो मैं ये सोचता हूँ सर कि किस दर्जे की उनकी लगन होगी फ़र्ज के लिए, किस दर्जे का देशभक्ति। दिस इज एट अनदर लेवल ऑल टुगेदर, है ना सर? जो इनकी ट्रेनिंग है वो इनको तैयार करती है, लेकिन जो अंदर का जज्बा है जी, वो उसके अंदर खुद निकल के आता है। बिल्कुल, एक फौजी जो है देश सेवा के लिए हमेशा तैयार रहता है जी। और किसी भी फौजी के लिए इससे बड़ा गर्व की बात क्या हो सकती है कि वह अगर शहीद हुआ तो अपने देश के लिए, और अगर उसकी मौत भी हुई तो तिरंगा उसके ऊपर होगा। बिल्कुल सर, इससे बढ़ के बात कोई नहीं, इससे बड़ा कोई ऑनर नहीं है ना सर? बिल्कुल नहीं। ये सब जो अपने जो इतने लड़ाइयाँ हुई हैं 1962, 65 और 71 वॉर जी, उनमें जो लोग शहीद हुए हैं उनका नाम है। इंडिया पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट 1971 से, इन्हीं में गनर आर्मुगम जिनको VRC मिला है, और लांसवाला कंसराज, इनके बुत भी यहाँ पे रखे गए हैं जी। AD रेजिमेंट के मेमोरियल में देख लीजिए सर, कोई 65 का है, कोई 71 का है, लेकिन सबके नाम स्वर्णिम अक्षरों में लिखे हैं, नेवर टू बी फॉरगॉटन सर। फौज में आप एक बार आ जाते हो तो आप एक स्पेशल फैमिली का हिस्सा बन जाते हैं जी। कई बार हमारे घर में बात हो जाती है कि मेरी फैमिली कौन है, तो मुझे कभी बोलने में प्रॉब्लम नहीं हुआ कि फर्स्ट फैमिली तो मेरी यूनिट होती है। बिल्कुल, मुझे एक खरोंच भी आ जाए तो सबसे पहले रिस्पांस जो दूर बैठे अपने खुद के जो खून के रिश्तेदार ना होंगे, लेकिन अपनी जो रेजिमेंटल फैमिली है वही होती है। बिल्कुल सर। और ये सर यहाँ ये जो चार स्तंभ है, ये जो ऑनर टाइटल्स मिले हैं 1971 वॉर में जी, जब समस्त यूनिट ने जो है अदम्य साहस दिखाया और कई वीरतापूर्ण काम किए, तो पूरी यूनिट को जो है ये ऑनर टाइटल्स दिए गए। सबसे पहले है अमृतसर एयरफील्ड, ये टाइटल 27 AD रेजिमेंट को दिया गया था। Then, ये सांबा है, सांबा 29 AD रेजिमेंट का है, ये उनका VAVP था जिसको वो प्रोटेक्ट कर रहे थे। इधर ही आप देखिए जो तगड़ा काम किया था इन्होंने, यूनिट को 2 वीर चक्र, 3 सेना मेडल और 6 मेंशन डिस्पैचेस मिले थे, जो एक्शन इन्होंने सांबा एयरफील्ड के पास किया, इसलिए उनको ये ऑनर टाइटल दिया गया। दिस इज द बसंतर रिवर। बसंतर, ये सर अपने आप में एक बड़ी लेजेंडरी बैटल थी सर। बिल्कुल, यू नो सर, 17 पूना हॉर्स, सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल, बसंतर ने बड़े हीरोज दिए। वॉर मेमोरियल स्टोरी शुड बी टोल्ड बाय अ हीरो। सर आप हमारे लिए हीरो हैं, आपके पास सेना मेडल है। अपने सेना मेडल की तो कहानी बताइए सर, और वो भी राष्ट्रीय राइफल्स में था। आई एम श्योर दिस इज एन इंटरेस्टिंग स्टोरी। यस, एक्चुअली मैं 2003 में आर आर में गया था जी, रजौरी के पास से हम लोग जी। 11 महीने बहुत कोशिश की, मिलिटेंट यहाँ से गया, टेररिस्ट वहाँ से गया, हमने यहाँ ऑपरेशन लॉन्च किया, टेररिस्ट वहाँ से चला गया, या कोई जॉइंट ऑपरेशन में दूर से हमने कुछ हरकत किया। तो बहुत बुरा लगता था कि इतनी मेहनत कर गए और हाथ कुछ नहीं लग रहा। तो अब जनवरी 2005 में हमारे को कुछ इंटेलिजेंस मिला, गाँव बुजुर्गों से वगैरह बात करते हम लोगों ने अपना ये सेट जरूर किया था कि हम लोगों ने कहा कि हमें और ये टेररिस्ट में फ़र्क होना चाहिए, किसी को तंग नहीं करना, और जो रेस्ट्रिक्शंस हम डालते थे वो भी सोच समझ के डालते थे जी। तो इसका नतीजा हुआ कि हमारे को कुछ बुजुर्गों ने कुछ बताया, वो भी तंग आ चुके थे जी। तो उन्होंने कोई एक जगह दिखाई, बोला कि इधर देखो आप। उस लीड को लेके दूसरे कंपनी कमांडर ने दो एक ऑपरेशन लॉन्च किए, उनको नहीं मिला। फिर मेरे पे दारोमदार आया कि ये ऑपरेशन लॉन्च किया जाए, आप लॉन्च कीजिए। तो उसकी प्लानिंग की गई और हमने, आप ऑलरेडी आर्मी में देख चुके हो, एडमिनिस्ट्रेटिव मूव्स होते हैं जब आप अपनी सप्लाईज लेके आते हैं, जब आप आरओपी करते। बिल्कुल सर, आरओपी रोड ओपनिंग। तो हमने प्लानिंग ऐसे किया कि जैसे हम आरओपी कर रहे हैं एडम सप्लाई के लिए, एक रात पहले, एक शाम पहले हमने रियर में राशन लोड कराया ट्रकों में। अच्छा। और जिस दिन ऑपरेशन था 2:30 बजे से हम लोगों की कॉलम्स निकली, जैसे नॉर्मल इन ट्रकों को जो है सेफ्टी देने के लिए, और 5:30 बजे एक दिए हुए सिग्नल पे कॉलम्स ने उस इलाके को घेर लिया। टिपिकल सेकंड वर्ल्ड ऑफ फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन जो करते थे ना, फॉल्स फ्लैग दिखाया, कुछ करा कुछ। तो आपने राशन बकायदा लोड करवाया, लोड किया, गाड़ियां वहां से मार्च करवा दी जी। और जैसे ही हमने 5:30 बजे अपना ये कार्रवाई किया तो गाड़ियां बीच रास्ते से हमने वापस कर दी जी। अब हमने इलाका घेर लिया लेकिन जगह पता नहीं, तो 2 सर्च टीम बनाई गई और हमने सर्च करना शुरू किया। ठीक है सर। 16 बंदे मेरे अपनी टीम के होते थे अलग से, जो कि स्पेशलिस्ट थे, कोई इसमें यार मार्क्समैन वगैरह था, कोई स्पेशलिस्ट था। 2 टीमों ने सर्च किया, पहले सर्च में कुछ नहीं मिला, फिर टीम्स ने अदला बदली की, क्योंकि एक जगह हर आदमी अलग तरीके से देखता, अलग नज़र से देखता। जब हम सर्च करके आ रहे थे तो मेरा बड्डी साथ में जो था उसने एक पहाड़ में एक छोटा सा क्रैक दिखा सर। अब ये क्रैक एक एंगल से क्रैक लगता था लेकिन एक्चुअली जो है तकरीबन 3 फुट हाइट एक त्रिकोण सा था, ओपनिंग था। अच्छा सर। और ये बिल्कुल एक खड़ी चढ़ाई पे था, तकरीबन 250 मीटर की खड़ी चढ़ाई थी। अच्छा। तो हम साइड से आते हुए हमने देखा, उस जगह पे आगे लगा रही तो ओपनिंग है, बट उसके सामने एक झाड़ी लगी हुई थी। तो पहले मेरा बडी गया आगे, उसने वो झाड़ी को जैसे पकड़ा, वो झाड़ी हाथ में आ गई और देखा वो फ्रेशली कट है। मैंने उसको पीछे बुलाया, मैं आगे गया, मैंने अंदर जो है क्रॉल करके गया, 5-1 फुट क्रॉल किया तो बिल्कुल अंधेरा, बाहर निकल के आया और मैं खड़ा हुआ तो मेरे 3 इंच मेरे जो है जूतों के बाहर थे जी, लेज पे तो 250। अच्छा, ऐसे बिल्कुल ऐसे है, 250 मीटर की खाई है। हाँ। करीब 4 फुट में मेरा बडी खड़ा है और वो प्रॉपर स्लोप पे है जी। तो और आपके जूते बाहर हैं और मैं यूँ खड़ा हूँ। तो मैंने पहले ग्रेनेड डाला, स्मोक ग्रेनेड, फिर इंसेंडियरी डाला, कोई हरकत नहीं। तो अपने आप में मैंने कहा भाई कुछ है नहीं, और दूसरा ग्रेनेड लाओ अंदर डालता हूँ ज़रा, इतना बोला और मेरे दोनों तरफ से जो 2 ओपनिंग्स थे उधर से फायर स्टार्ट हो गया। आपके पैर के पीछे? पैर, मैं खड़ा हूँ, इनको पता नहीं मैं यहाँ पे, और दोनों तरफ से फायर एक एक। समझ में नहीं आया क्या करूँ। पहले तो मुझे ये था कि कहीं डर ना लगे, बट मुझे गुस्सा आया कि कैसे किया, फिर सोचा निकलेगा। तो मेरे बड़ी ने इशारा किया कि ऊपर, तो मैं उधर से सीधा ऐसे ही खाई में कूदा ऊपर की तरफ, इस फायर के ऊपर से, और उसने मुझे हाथ से अपने पाउच से ऐसे पकड़ के खींच लिया। अच्छा सर। फिर हम तो खुश हो गए कि भाई पक्का मिलिटेंट है। फौरन सीएस साहब बहादुर को कहा सर मिल गया। और हमने फिर रीडिप्लॉय किया अपने आप को। मेरे जवान इतने तगड़े थे, उन्होंने 15 मीटर पे सामने हेड आउट को नज़र रख के हार्ड पकड़ के बैठे कि अब आगे दिखाओ जी। और ये जो ऑपरेशन हो रहा था, हम 24 फुट से उतर के आए थे, यहाँ 3 फुट बर्फ़ पड़ी हुई थी, बर्फ़ बीच बीच में पड़ती रही। 36 घंटे का ऑपरेशन चला। अच्छा सर। 36 घंटे तक आप लोग घात लगा के बैठे रहे? घात लगा के बैठे रहे, हमने उधर से किसी को हिलने नहीं दिया, हम फायर करते रहे। एक मिलिटेंट बाहर आया, खत्म। दूसरा आया, खत्म। तीसरा, खत्म। अब इनमें रोमांच की बात ये थी कि मैं जाके जब ग्रेनेड डालता था और वापस भाग के आता तब तक कोई वहाँ से हरकत करता था, फिर मारते थे। अच्छा सर। रात भर हमने फायर करके रखा ताकि कोई हरकत ना हो उधर से। फाइनली हमने एक्सप्लोजिव्स डाल के, बिल्कुल अगले दिन 24 घंटे बाद एक्सप्लोजिव्स लगा के हमने उस हाइडआउट को उड़ाया, उड़ा दिया सर। और उसके बाद जब उसका प्रॉपर सर्च हुआ तो हमने 5 आतंकवादी मारे थे। जी। और ये लश्कर का कमांड एंड कंट्रोल सेंटर था जो 8 साल से वहाँ चल रहा था। अच्छा सर, 8 साल से वो हमारे उस जगह से हमारे पूरे बटालियन के ऑपरेशंस पे नजर रखा करते थे, तभी हमारा वहाँ सक्सेस थोड़ा कम होता। अच्छा सर, सो देखो वहाँ से क्लिप से वो देख रहे हैं, वो देख रहे हैं पूरा जो बाउल है हमारा, वहाँ पे क्या हरकत हो रहा है, कहाँ से कॉलम आ रहा है, अकॉर्डिंगली हट जाते हैं। तो ये जो आपका ओरिजिनल एस्टिमेट था कि राशन लोड करो, ठीक था, दैट फूल्ड देम। हाँ, उससे उनको इसलिए वो वहाँ से हिले नहीं, क्योंकि उन्होंने अच्छा ये नॉर्मल अपना काम करके राशन वगैरह लेंगे और चले जाएंगे, क्योंकि उसके साथ कोई ऑपरेशन नहीं लॉन्च करेगा सोचा उन्होंने। बट वो सरप्राइज एलिमेंट काम कर गया। 5 टेररिस्ट इससे मारे गए, जिसमें 2 डिस्ट्रिक्ट कमांडर और 1 सेल्फ स्टाइल डिस्ट्रिक्ट कमांडर हुआ, बट वो थे हुजी के जो आए हुए थे। अच्छा। और गेस्ट थे। और ये हाइड आउट तकरीबन 24 फुट अंदर था जी। और उसमें 21 ब्लैंकेट, 3000 kg राशन, 3000 kg, और राइस इंडिया गेट बासमती, और मसाले सिर्फ कैच के। अच्छा। 800 अंडे, ये तो खाने का बता रहा हूँ। 21 जनों को खाने के लिए पूरा सेट पूरा था, गैस सिलेंडर वगैरह, बाकी जो एक्सप्लोजिव्स, आईडीज, ग्रेनेड्स, आरपीजीज, एमुनिशन, फिर लिटरेचर, फोटोज वो अलग जी। बट इट वाज अ वेरी सेटिस्फाइंग एक्सपीरियंस। मेनली हमारे किसी एक बंदे को एक खरोंच नहीं आई, ना इससे बढ़िया और क्या हो सकता है। बिल्कुल, अपने जवान दुश्मन ठोके सर, हथियार अलग से जब्त करे उनके, और अपने एक बंदे को खरोंच तक नहीं आई। व्हाट अ लवली एक्सपीरियंस सर, थैंक यू वेरी मच फॉर स्पीकिंग टू अस। थैंक यू वेरी मच सर। साहब, पेट्रियट में आपका स्वागत है। थैंक यू बहुत साहब। अच्छा साहब, ये आपकी L-70 गन्स भी हैं। हाँ साहब। और हमने इनका फायरिंग का डेमोन्स्ट्रेशन भी देखा था। हाँ साहब। अच्छा एक बात बताइए, जो यंग रिक्रूट है साहब, ये जो अभी ये तो सिविल से आया है लड़का। हाँ ना। हाँ। इसको आप ट्रेन कैसे करते हैं शुरू में, क्योंकि खासतौर से वेपन सिस्टम्स में, क्योंकि इन्फेंट्री में जो ज़्यादातर ट्रेनिंग होती है वो तो स्मॉल आर्म्स में होती है। हाँ साहब। इंसास की हो गई या LMG की हो गई, उन लेवल के वेपन्स की होती है। यहाँ पे आप लोग उसके अलावा इनको इस पर भी मौका देते हैं ट्रेनिंग का। हाँ सर। तो वो कैसे करते हैं ट्रेनिंग? ये सब हमारे पास एक रिक्रूट 24 वीक में बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग खत्म करके आता है जी। उसके बाद 24 वीक से हमारा ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाता है। ओके। हमारे पास 3 ट्रेड के आते हैं, एक OFC, ऑपरेटर और गनर। अच्छा। जो गनर आते हैं उनमें L-70 और जूम में हम ट्रेनिंग कराते हैं जी। जो ऑपरेटर होता है हम रेडियो सेट का ट्रेनिंग देते हैं जी। और जो OFC होता है हम राडार और मिसाइल का ट्रेनिंग देते हैं। अच्छा, तो ये 3 किस्म की ट्रेनिंग, 3 किस्म की ट्रेनिंग अलग-अलग देते हैं सर। सब एक बार और बताइए कौन कौन सी ट्रेनिंग है कि हमारे दर्शकों को समझ में आ जाए। हमारे पास जो टेक्निकल में आते हैं, एक OFC, ऑपरेटर फायर कंट्रोलर, जो मिसाइल में ट्रेनिंग करते हैं, मिसाइल और राडार में। बिल्कुल। और जो गनर है वो L-70 और जू गन में ट्रेनिंग करते हैं। और जो ऑपरेटर होते हैं वो रेडियो सेट और जैसे स्मार्ट है, टेडी से, इनमें ट्रेनिंग करते। तो साहब सबका अपना अपना एक ट्रेड हो गया, अलग अलग ट्रेड होते हैं। तो उसी ट्रेड में जाएगा फिर वो? हाँ सर, उसी ट्रेड में। हाँ। ट्रेड बेसिक ट्रेनिंग में मिल जाता है सर। हाँ। उसके बाद वो एडवांस ट्रेनिंग में हम इनको डिस्ट्रीब्यूट करके ट्रेड वाइज डाल देते हैं। तो जो अपने यूनिट में जाएगा फिर वो ट्रेड वो उस हिसाब से यूनिट में चला जाएगा। यूनिट में जो कि जो अगर लाइट एडी यूनिट होगी तो जू वाली, तो उसमें जू में चला गया, ऐसे ही होगा। हाँ ऐसे ही होगी सर, ऐसे ही होगा ना। ठीक है। ये साहब आपका जू है। हाँ सर। ये वेपन हमने इसकी भी फायरिंग देखी थी। हाँ सर, बड़ा कमाल का वेपन है। तो अब एक बात बताइए, ये जो यंग लड़के हैं। हाँ सर। इनको जैसे ड्रिल सिखाई, PT सिखाई, फिजिकल फिटनेस, स्मॉल आर्म्स, अब जब ये बड़े हथियार में आते हैं। हाँ सर। तो इनको सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम किस चीज़ की होती है, कि ये सीखने में क्या प्रॉब्लम होती है इनको? ये तो सब पहले तो ये क्या है, जो रिक्रूट से ये इतना इक्विपमेंट के बारे में इतना नॉलेज नहीं होता है। बिल्कुल। तो हम पहले इनको स्टार्टिंग से पहले इक्विपमेंट के बारे में बारीक से सिखाते हैं सब, इनको हार्ड से हार्ड ट्रेनिंग देते हैं सब, क्योंकि ये लोहा में काम करना है। हाँ। तो इनको लोहा बनना पड़ता है। तो ट्रेनिंग में कोई रियायत नहीं है, कोई रियायत नहीं, क्योंकि देश की सुरक्षा की बात आ जाती है साहब जी। इसलिए हम इसको हार्ड से हार्ड ट्रेनिंग पहले बेसिक से धीरे धीरे इनको इक्विपमेंट के बारे में हर चीज़ बताते हुए इनको हार्ड से हार्ड ट्रेनिंग देते हैं साहब। अच्छा। इनको लोहा बना देते पहले, उसके बाद इनमें काम कराते सर। तो इनका बेसिक जो इनका वेलफेयर है उसका तो ध्यान रखते ही हैं। पूरे वेलफेयर ध्यान देते, खाना पीने का, रहना, सब कुछ इनका, कपड़ा वगैरह, स्टैंडर्ड प्रेस, सब हर चीज इनका अलग दर्जे के सब। लेकिन ट्रेनिंग में कोई रियासत नहीं है। ठीक, वो उसमें 24 घंटे उसमें रगड़ा है पूरा। अच्छा, तो क्या क्या चैलेंजेस फेस करते हैं? जैसे कि आपने एक रिक्रूट को लिया, उदाहरण के लिए आपने एक रिक्रूट को लिया, ये जू गन है। हाँ सर। अब ये तो भारी है गन। हाँ सर। ठीक है, तकरीबन 1000 किलो की होगी। हाँ सर, मोटा मोटी। हाँ सर। तो इसमें क्या प्रॉब्लम आएगी जब शुरू में आप उसको बोलते हैं कि ठीक है, ऑब्वियसली आप इसको पहले ट्रेन करेंगे और फिर करेंगे, और क्या प्रॉब्लम आएंगी जू में, क्या प्रॉब्लम आएगी इसको? जू में इसमें जैसे इसमें स्टैंडिंग डील करना पड़ता है, कैसे इनएक्शन करना है जी उसको लागे, उसके बाद इसका चेंज बैरल का लोडिंग अनलोडिंग और जैसे इसको ये वगैरह काफ़ी कार्रवाई करना पड़ता है जी। ऐसा तो उसमें शुरू में उनको प्रॉब्लम आती है, इनको प्रॉब्लम आती है। अच्छा साहब, ये है हमारा IGLA ना, IGLA मिसाइल सिस्टम जी, सरफेस टू एयर मिसाइल, शोल्डर फायर मिसाइल सिस्टम है। ये इसका भी हमने डेमो देखा था साहब। हाँ साहब, बहुत बढ़िया डेमो है इसका। तो इसमें तो ऐसे जो इसका रॉकेट निकलता है, पहले जाता है फिर रुकता है थोड़ा सा, फिर स्टेबलाइज होकर फिर जाता है। उसका जो मिसाइल पहले निकलता है पहले बूस्टर फायर करता है, उसके बाद सस्टेनर मोटर फायर करता है। जो सस्टेनर मोटर फायर करता है तब स्पीड पकड़ता है, तो बूस्टर क्या शोल्डर फायर है तो सिर्फ मिसाइल को ट्यूब से बाहर निकलता है। अच्छा, तो इसका भी एक्सपोजर देते हैं, सब फायर करते हैं लोग जो इस ट्रेड वाले होंगे ये फायर करेंगे? नहीं, ये फायर नहीं करते। अच्छा। लेकिन रेजिमेंट में जाके फायर करते हैं, रेजिमेंट यानी कि वहाँ पे रेजिमेंट में जाके फायर करेंगे। रेजिमेंट में हर एक रिक्रूट, हर एक रेजिमेंट को, हर एक ऑपरेटर को फायर करना पड़ता है, फायर करना पड़ेगा। हाँ सर। तो अभी आपके पास यहाँ पे जो रिक्रूट हैं टोटल, वो कितने रिक्रूट हैं टोटल जो इस सेंटर में ट्रेन कर रहे हैं? जैसे अभी फिलहाल हमारे पास 1500 आज के आसपास रिक्रूट्स है जी। जैसे हमारे पास टेक्निकल ट्रेनिंग रेजिमेंट है, हमारे पास 721 रिक्रूट्स है। उसका बेसिक ट्रेनिंग रेजिमेंट में है, उसके बाद एडवांस ट्रेनिंग रेजिमेंट में, अलग अलग रेजिमेंट में अलग अलग रिक्रूट्स है। अच्छा, तो ये रिक्रूट की टोटल ट्रेनिंग कितनी होती है सब? टोटल ट्रेनिंग जो OFC OPR और गनर है मिला के 46 वीक होती है। 46 वीक के बाद इनकी POP हो जाती है, पासिंग आउट पीरियड हो जाती है, फिर ये रेजिमेंट में छुट्टी जाते हैं, छुट्टी से अपनी रेजिमेंट में जाते हैं। साहब, हमसे बात करने का बहुत बहुत धन्यवाद आपको। थैंक यू साहब। दोस्तों, पिछले 7 दिनों से मैं आर्मी एयर डिफेंस सेंटर और आर्मी एयर डिफेंस कॉलेज में हूँ। यहाँ पे मैं ऑफिसर्स और जवानों से मिला जो यहाँ पे ट्रेनिंग हासिल करने के लिए आए थे। उनसे मिलने के बाद ये पता लगा कि कितनी मेहनत, कितनी मशक्क़त के बाद वो हुनर हासिल होता है जिसको लेने के लिए, जिसको प्राप्त करने के लिए ये लोग यहाँ गोपालपुर में आए हैं। इनको सिखाया जाता है कि आसमानी खतरे को कैसे नस्ते नाबूद करना है। वो खतरा चाहे एक लड़ाकू विमान हो या फिर दुश्मन की मिसाइल, उसको बर्बाद करने में ये लोग निपुणता हासिल करके फिर यहाँ से जाते हैं। इस एपिसोड में बस इतना ही। अगले हफ्ते चलिए मेरे साथ हिंदुस्तान के किसी और कोने में कुछ और फौजियों से मिलते हैं। तब तक के लिए पैट्रियट की टीम की तरफ से जय हिंद।